जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया ऑप्शन में लोगों का स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कुमार। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डी देव प्लास्टिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के बारे में। हम सभी जानते हैं कि डी देव प्लास्टिक इंडस्ट्रीज नाम से स्पष्ट है कि प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी है, लेकिन इस कंपनी का जो मार्केट कैप देखते हैं तो तकरीबन 1000 करोड़ के आसपास है। यानी कि इसको तकरीबन आप स्मॉल कैप एक कंपनी मानकर चल सकते हैं। शेयर प्राइस देखिए पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये रिटेल के रडार पर आया है। बहुत से लोगों का इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं कि इसके ऊपर वीडियो बनाकर मार्गदर्शन दीजिए कि अभी हम इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। इसलिए ये वीडियो में बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग क्या होते हैं, जब किसी स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा होता है तो बीच में एंट्री लेते हैं, लेकिन जब किसी स्टॉक का प्राइस लगातार कुछ दिनों से बढ़ रहा है ऊपर की तरफ तो बीच में एंट्री नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आप ट्रैप हो सकते हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सही समय कब रहेगा और इसमें इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा भी कि नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया कि इस कंपनी का मार्केट कैप तकरीबन 1000 करोड़ के आसपास है और शेयर प्राइस अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 96 रुपये 60 पैसे के आसपास चल रहा है। लेकिन ये एक ऐसा स्टॉक है जो पिछले कुछ दिनों की ही बात करें तो अगस्त 2022 से देखेंगे तो इसका प्राइस लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। अगस्त 2022 में जहाँ इस कंपनी का प्राइस सिर्फ 35 रुपये के आसपास था, अभी देखेंगे तो तकरीबन 100 रुपये के आसपास जा पहुँचा है। और आपको जानकर ताजुब होगा कि ये 105 रुपये से ऊपर इस स्टॉक का प्राइस चला गया था। लेकिन आप जानते हैं किसी भी स्टॉक का प्राइस लगातार ऊपर नहीं जा सकता, थोड़ा सा उसमें गिरावट आता है। जब 105 रुपये का इसने हाई बनाया तो उसके बाद थोड़ा सा इसके प्राइस में गिरावट आया, 70 रुपये के आसपास तक आ गया था। लेकिन वहाँ पर फिर कुछ लोगों ने एंट्री लिया और फिर प्राइस बढ़कर भी देखेंगे तो 100 रुपये के आसपास जा पहुँचा है। अब जो 100 रुपये का लेवल है इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। रेजिस्टेंस वो एरिया होता है जहाँ पर माना जाता है कि प्राइस जाकर थोड़ा रिट्रेसमेंट ले सकता है, थोड़ा नीचे आ सकता है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग होता है रेजिस्टेंस के करीब। तो यदि रेजिस्टेंस का जो लेवल है 100 रुपये, उसको ब्रेक करके और ऊपर चला जाता है तब इस कंपनी का प्राइस अनलिमिटेड ऊपर जा सकता है, जहाँ तक इसको जाना होगा। लेकिन अभी ये ठीक समय नहीं है इसमें एंट्री करने का, क्योंकि प्राइस काफ़ी बढ़ गया, वो भी काफ़ी कम समय के अंदर बढ़ गया है। इसलिए आपको इंतजार करना होगा, धैर्य बना के रखना होगा इसमें सही समय के लिए। अभी आप RSI लेवल देखेंगे तो RSI लेवल भी इसका तकरीबन 70 से ऊपर है। इसलिए जब RSI का लेवल ऊपर हो तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहिए, और प्राइस लगातार कुछ दिनों से बढ़ रहा है तब भी इस लिहाज से भी इसमें अभी इन्वेस्टमेंट करना ठीक नहीं रहेगा। एक सवाल का तो आपको जवाब मिल गया होगा, लेकिन जो मेन सवाल है कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये टोटली डिपेंड करता है कंपनी काम क्या करती है और जो काम करती है उसका फ्यूचर में ग्रोथ है कि नहीं, साथ में कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, इस सब देख के हमें किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो प्लास्टिक के इंडस्ट्री में कंपनी जुड़ी हुई है, तो देखिए प्लास्टिक एक बार जिन्हें भारत में कभी समाप्त होने नहीं जा रहा है, चाहे प्लास्टिक पर कितना भी बैन लगा दीजिए, यानी कि प्लास्टिक का कारोबार भारत में फलेगा फूलेगा। अब आते हैं फंडामेंटल पर। तो देखिए, फंडामेंटली भी कंपनी ठीक है, जिस लिहाज का इस कंपनी का मार्केट कैप है उसके हिसाब से देखेंगे तो फंडामेंटल ठीक है, और कहीं ना कहीं फंडामेंटल की बदौलत भी इसके स्टॉक में तेजी है। हालांकि इन दिनों मार्केट में जो बुल रन चल रहा होता है, ये जो अभी सीजन चल रहा होता है दिसंबर से लेकर जनवरी फरवरी का, इसको मार्केट में कहते हैं बुल रन। यानी कि इन दिनों में माना जाता है कि मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी आती है, और जब मार्केट में तेज़ी आती है तो तेज़ी के मौसम में जो छोटे बड़े स्टॉक होते हैं सबके प्राइस में थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिलती है। तो इस स्टॉक के प्राइस में लगातार जो ऊपर जा रहा है, इसके तेज़ी के पीछे एक वजह यह भी हो सकती है, हालांकि ये जो पार्टिकुलर स्टॉक है डी देव प्लास्टिक इंडस्ट्री लिमिटेड, इसके प्राइस में जो तेज़ी चल रही है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऑपरेटर्स का हाथ इसके पीछे, क्योंकि लगातार इसका प्राइस काफ़ी दिनों से ऊपर की तरफ जा रहा है। ये एक सोच का विषय हो सकता है, इस पर तर्क के साथ बहस किया जा सकता है, लेकिन हमें इस बहस में नहीं पड़ना है। हमें बस ये जानना है कि अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। जैसे मैंने बताया, अभी तो आपको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जब तक प्राइस थोड़ा सा ठहरे नहीं, थोड़ा नीचे नहीं आए। और फंडामेंटल की बात करते हैं तो देखिए, बुक वैल्यू का डिटेल हमारे पास नहीं है, क्योंकि बुक वैल्यू रहता है तो अंदाज़ा लगता है कि यदि कंपनी दिवालिया हो जाती है, मतलब होना तो नहीं चाहिए लेकिन मानकर चलते हो जाती है, तो हमें कितना रुपया ठीक ठाक वापस मिल सकता है। लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड जो आप देखेंगे ROCE, तो वो तकरीबन 44% के आसपास है, जो काफ़ी ठीक है। हालांकि काफ़ी नहीं, बहुत ठीक है, क्योंकि पेन स्टॉक का ROCE इतना ज़्यादा नहीं होता है, हालांकि ज़्यादा है तो अच्छी बात है। और ROE देखेंगे तो अभी 30% के आसपास है, जो कि ठीक है। सबसे कमाल की बात है कि स्टॉक का PE रेशियो 16 के आसपास है। सामान्यतः किसी छोटी कंपनी का पेन स्टॉक का PE रेशियो इतना कम नहीं होता है, सबका PE रेशियो देखेंगे तो इन दिनों 1000 से ऊपर ही है, लेकिन इसका PE रेशियो सिर्फ 16 के आसपास है। PE रेशियो जितना कम रहे, हालांकि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अच्छा माना जाता है, और PE रेशियो यदि कम है तो ये बताता है कि मतलब स्टॉक अभी वैल्यू के अंदर है, इसमें बाई इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से अभी इसका जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी अधिक है, अभी इसमें बाई नहीं करना है। फंडामेंटली जैसे मैं बता रहा हूँ, कुछ बातें बताए, कुछ और बता रहा हूँ उसमें देखेंगे तो कंपनी के सेल्स में लगातार वृद्धि हो रही है। सेल्स में वृद्धि हो रही है तो उसके साथ कंपनी का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। प्रॉफिट देखेंगे तो 14 करोड़ से बढ़कर 19 करोड़ हो गया सिर्फ 3 माह में, एक छोटी कंपनी के लिए।
तकरीबन 5 करोड़ का 5 करोड़ का प्रॉफिट सिर्फ 3 माह में बढ़ जाना ये मायने रखता है। इसके अलावा देखेंगे तो इस कंपनी के ऊपर तकरीबन 87 करोड़ रुपये के आसपास कर्ज है। हालांकि कर्ज पिछले कुछ दिनों में कम हुआ है और सबसे कमाल की बात यह है कि इसके पास जो कैश पैसा होता है जिसको रिजर्व फंड कहते हैं वो इसके पास 416 करोड़ के आसपास है। तो 87 करोड़ रुपये का कर्ज इसके सामने बौना नजर आता है, कुछ नहीं है। तो इस लिहाज से जब हम देखते हैं तो कंपनी का फंडामेंटल हमको मजबूत नज़र आता है। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दें कि इसमें प्रमोटर्स की हिस्सेदारी तकरीबन 75% के आसपास है, जो इस स्टॉक को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। प्रमोटर्स 75% के आसपास हैं, बाकी 25% पब्लिक की हिस्सेदारी है। तो ओवरऑल फंडामेंटल के लिहाज से काफ़ी ठीक है, लेकिन टेक्निकली ये स्टॉक अभी बाइक करने के लिहाज से ठीक नहीं है, क्योंकि टेक्निकली हम देख रहे हैं कि इस स्टॉक का प्राइस लगातार कुछ दिनों से ऊपर की तरफ जा रहा है, बीच में एंट्री नहीं लेना है। आप इंतजार कीजिए प्राइस के नीचे आने का, RSI के नीचे आने का। RSI जब 30-40 के आसपास है तो इसमें आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं, यदि आपको प्लास्टिक इंडस्ट्री पर भरोसा है तब। तो उम्मीद करता हूँ DJO प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।